देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। मंदसौर जिले के अफजलपुर थाने में प्रयास स्कूल के छात्रों ने थाना अफजलपुर का विजिट किया। थाना प्रभारी एसएल परमार और बीट प्रभारी डामोर और गजेंद्र सिंह ने छात्रों को संपूर्ण थाने की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। एफआईआर कैसे दर्ज करना, किस प्रकार के अपराधियों को लॉकअप में रखना, डायल 100 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी दी गई। छात्रों के जिज्ञासा मूलक प्रश्नों का थाना प्रभारी परमार ने सहजता से उत्तर दिए। छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्न, किन परिस्थितियों में एफआईआर दर्ज की जाती है, पैरोल की धारा क्या है, चौकी और थाने पे क्या अंतर है, 100 डायल कैसे करते हैं और इसका सिस्टम क्या है, छात्राओं ने पूछा कि मंचलों की शिकायत कैसे दर्ज की जाती है। थाना विजिट पर आए 50 से ज्यादा छात्रों को पिस्टल, गन और कई तरह के हथियारों की भी जानकारी दी गई। बिना लाइसेंस वाहन चलाना, नशे में वाहन चलाना और नियम विरुद्ध वाहन चलाने पर क्या सजा दी जाती है और भी कई जानकारियां छात्र छात्राओं को दी गई। थाना प्रभारी परमार ने बच्चों को मित्र की तरह समझकर और पुलिस भय को दूर किया। इस मौके पर पत्रकार पवन द्विवेदी, प्राचार्य कैलाश शर्मा, छात्र संघ अध्यक्ष यशवंत भाटी और स्टाफ के सभी शिक्षक मौजूद रहे। आज धुंधड़ का स्कूल के छात्र थाने में आए हैं सर, तो किस प्रकार क्या देखा सर उन्होंने? आज ग्राम धुंधड़ का स्कूल के छात्र छात्राएं थाना विजिट करने तो आए, जहां उन्होंने पुलिस की कार्य प्रणाली को समझा और हमने भी हथियार के बारे में कुछ समस्त जानकारी दी गई, ट्रैफिक के बारे में भी सब समझाई दी गई, वह 100 डायल और महिला हेल्पलाइन के संबंध में भी हम पूरी बात बताई गई, किस प्रकार से स्कूल बच्चों में कभी भय ना रहे। स्कूल, गांव, मोहल्ले किसी प्रकार का भी दिक्कत आती है, खास करके लड़कियों के सीधा लड़कियों के बारे में भी काफ़ी बताया कि सीधा थाने से संपर्क करें। थाने की महिला आरक्षक का भी नंबर दे दिया है, जिससे कि महिला आरक्षक से अपनी मन की बात बता सके और कई जो भी बात पुलिस से डर या गांव में मोहल्ले में अगर हो तत्काल हमको थाने पुलिस को सूचित करें। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता हेमंत काटरा की रिपोर्ट। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।